जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फिजिकल कोच। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपनी आंखों के लिए, आज मैं आंखों की देखभाल किस तरीके से करें। और आर्मी में बहुत बार आंखों का मेडिकल होता है जिसके अंदर 6x6 मांगते हैं, तो बहुत से बच्चे हैं जो आउट हो जाते हैं। और सिर्फ आर्मी के बच्चों के लिए नहीं, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारी आंखें। तो वैसे तो सभी लोग अपने शरीर की एक्सरसाइज के लिए बहुत कुछ करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो ये नहीं जानते कि हमारी जो आंखें हैं इनकी सुरक्षा के लिए भी हमें नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए और इनके लिए भी एक संतुलित आहार चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है आंखों की देखभाल कैसे करें, और साथ ही आंखों के लिए कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ पॉइंट्स के आधार पर बताऊंगा कि हम हमारी आंखों की देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हो कि आंख है तो संसार है, तो आंखों की इम्पोर्टेंस कितनी बड़ी है। तो चलते हैं हम हमारे पहले पॉइंट की तरफ। तो अपना पहला पॉइंट है कि आप अपनी आंखों की हिफाजत के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप विटामिन ए की सोर्सेज आप जरूर लीजिए। तो विटामिन ए की मात्रा बढ़ाने के लिए अपने शरीर में आप गाजर वगैरह खा सकते हो, सब्जियां खाओ, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, इस तरीके से आप विटामिन ए भरपूर सोर्सेज लीजिए। इसी के साथ में आप रोजाना हो सके तो, नहीं तो जब भी मौका मिले आप काले अंगूर खाइए, ये आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं कंप्यूटर या मोबाइल पर काम करते समय। दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और आजकल हर कोई बिना मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर के नहीं रह सकता, ये जीवन की नेसेसिटी बन गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप काम करो इस पे तो आपको चाहिए कि आप इसके प्रिकॉशंस लो, और उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको जब भी आप मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन कोई भी स्क्रीन देख रहे हो तो लगातार उसको कंटिन्यू मत देखिए, हर थोड़ी देर बाद में रेस्ट कीजिए आँखों को, रेस्ट कीजिए, आँखें बंद कर लीजिए थोड़ा, या फिर थोड़ा पलके झपका लीजिए आँख, ये इस तरह से पलके झपका लीजिए, इस तरीके से आपको उसे डिस्टेंस देना है, यानी कि स्क्रीन से थोड़ा टाइम हटाना है आँखों को। और अगर थोड़ा ज़्यादा अगर आप बैठते हो तो हर 10-15 मिनट या आधे घंटे में उठ करके आप बाहर चली जाइए, आधे एक घंटे में थोड़ी आँखों को पानी से धो लीजिए या आँखों को थोड़ा नमी दीजिए। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, अभी चलते हैं तीसरे पॉइंट है कि कई बच्चों के या कई आदमियों के, आपने देखा होगा कि आँखों के नीचे ये काले गहरे धब्बे दिखाई देते हैं, इनको दूर करने के लिए प्रॉपर हमारे को 8 घंटे की नींद जरूरी है। आप भरपूर 8 घंटे की नींद लीजिए जिससे आपके आंखों की जो सूजन वगैरह या काले धब्बे होते हैं वो नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना आंखों को नमी प्रदान करना। आंखों को नमी आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे खीरा या ककड़ी, खीरे के स्लाइस, पतले पतले स्लाइस लो और उन स्लाइस को आंखों पे लगाओ, इससे क्या होगा आंखों को ठंडक मिलेगी, साथ इससे आपकी जो आंखें रेड लाल कलर की हो जाती है, लाल हो जाती है आंखें, वो ठीक होगी इससे। साथ में आपको जो काले धब्बे हो जाते हैं वो भी आपके क्लियर होंगे खीरे के स्लाइस लगाने से। इसके अलावा आंखों को स्वस्थ रखने के लिए आपको इसे मॉइस्चर रखना चाहिए, इसके लिए आप बाजार से अच्छी बढ़िया क्वालिटी के ड्रॉप लेकर आए, आई ड्रॉप, मॉइस्चराइज आई ड्रॉप, और
के ड्रॉप दिन में 2-3 बार डालें, जिससे आपको नमी मिलेगी और आंखें ताजा रहेगी। जब आप धूप में कभी बाहर निकलो तो आप सनग्लासेस का यूज करो, जिससे आपके आंखों के काले घेरे नहीं पड़ेंगे और आंखें भी स्वस्थ रहेगी। ये कुछ सुझाव थे जिनसे आप इनका प्रयोग करके अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हो। इसी के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आंखों की एक्सरसाइज से कैसे हम ठीक कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ एक्सरसाइज जिनके थ्रू आप अपनी खोई हुई रोशनी को ठीक कर सकते हो और अपनी आंखों की ज्योति को बरकरार रख सकते हो। तो अभी मैं बताता हूँ, अगर हम जिस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि हम मोबाइल कंप्यूटर पे, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं या काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर पे कई घंटों तक बैठकर काम करते हैं, तो उनके लिए कुछ एक्सरसाइज। आप लंबे टाइम से कंप्यूटर पर काम कर रहे हो तो इसी बीच में कुछ ये एक्सरसाइज, एक दो एक्सरसाइज बता रहा हूँ। जैसे मैं आपने जैसे स्क्रीन से ध्यान हटाया, जैसे मेरे पास ये लैपटॉप है, मैं लैपटॉप पर देख रहा हूँ अभी, मैं जैसे अपनी यहाँ से नज़रें हटाऊंगा, ये मैंने नज़रें हटाई और मुझे ये मेरे जो रोटेट करना है, ये राउंड में रोटेट करना है, ये जैसे मैं ये रोटेट करूँ, इस तरीके से अपने 360 डिग्री रोटेट करना है और फिर एंटी क्लॉक रोटेट करना है और फिर राइट और लेफ्ट, ये मैं राइट कर रहा हूँ, ये राइट लेफ्ट इस तरीके से करोगे, जिससे आपका क्या है कि आंखों में पानी आना और आंखों में जलन और जो दर्द होता है उससे राहत मिलेगी। दूसरी एक्सरसाइज है, जब आप इस तरह से बैठे हुए हो तो दोनों हथेलियां इस तरह से हथेलियां ले और उनको जोर जोर से रगड़ो, और ये तब तक रगड़ना है जब तक कि ये गर्म ना हो जाए, और जब ये गर्म हो जाएगी तो इन दोनों को पकड़ना है, इस तरह से आंखों में रखना है। इस तरह से रखेंगे तो हमारे को आंखों पे आराम मिलेगा। अगर आप अभी भी करके देखोगे तो देखोगे कि आपको आराम मिलेगा। दूसरी एक्सरसाइज ये है, इससे भी आपको आंखों के दर्द में और रोशनी में मदद मिलेगी। और ये हथेली को जैसे रगड़ करके ये लगाया हमने, इसको दिन में 3-4 बार करना है आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आंखों की मसाज, क्योंकि आंखों की मसाज भी आंखों के आराम के लिए जरूरी है। तो आंखों की मसाज के लिए क्या करेंगे हम, ये आप देखते हो ये गर्म पानी है, गर्म पानी के अंदर एक बर्तन में गर्म पानी रखेंगे हम और एक तौलिया ले लेंगे, इस तरह से तौलिया, और इसको इस तरह से पानी में डुबो देंगे। और गर्म पानी अपने हिसाब से करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, जितना अपने शरीर को सुहाए उस तरीके से लेना है। और ये हमने ये गर्म की इस तरह से निचोड़ा और हल्का सा ये आँख बंद कर देना है, इस तरह से आँख खुली नहीं रखनी, आँख बंद कर देनी है और इस तरह से मुझे थोड़ी देर के लिए गर्म ये देना है और फिर छोड़ देना है, फिर वापस दूसरा लेना है, ये इसको थोड़ा निचोड़ देना है और ये इस तरह से करना है। ये होगा जैसे कि आप याद कीजिए अपने बचपन के दिन, जब आपके आंख में कभी कुछ लग जाती थी तो आपकी मम्मी थी, आपकी मम्मी वगैरह वो इस तरह से अपना दूबड़ी का पल्लू इस तरह से ऐसे गर्म करके इस तरह से देते, सेम वही चीज़ है ये। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हो गई, इससे आंखों की मसाज करते हैं। ऐसा करने से आंखों को एक तो आराम मिलेगा जैसे गर्म चिकाओगे, दूसरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा जिससे विजन, हमारी जो आंखों की रोशनी है वो तेज होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसके अंदर मैं अभी यहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ, बट आप एक आरामदायक कोई दरी वगैरह बिछा करके आरामदायक जगह पे बैठ जाइए, हाथ की पालकी मारकर मारकर, और इसके ऊपर नेक्स्ट जो है पिन पॉइंट एक्सरसाइज होती है, इसको इसके अंदर क्या करना है, जैसे कि ये अंगूठा है, इस अंगूठे को इस तरह से रखना है, ये आप देख सकते हो इस तरीके से, और ये जो इसका नाखून है इस तरह किए, इस तरह से किया और इसको धीरे 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 ये इस तरह से लाना है, नज़दीक लाना है ये, फिर वापस धीरे 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 आगे ले जाना है, ध्यान इसी पे रखना है, फिर वापस नीचे
फिर इसी की टिप को देखना है और धीरे धीरे इसको ये इस तरह से बेचना है। गर्दन को नहीं हिलाना, गर्दन वही रहेगी साथ से वही से धीरे-धीरे नजदीक लाओ, नजदीक लाए, फिर आप लेंगे और इसी को यहाँ से धीरे-धीरे ये लगे, गर्दन नहीं घुमानी, सिर्फ आंखों को देखना है इसी की तरफ, इस पॉइंट की तरफ ध्यान रखना है, ये और फिर धीरे-धीरे धीरे-धीरे वापस आए, फिर आप दोनों को भी ले सकते हो इस तरीके से, ये इससे आपकी रोशनी बढ़ेगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप जिस तरह से ये है इसी तरीके से एक बाउल, बड़ा बाउल ले लो, उसके अंदर पानी पूरा भर लो और इसको क्या करना है, पहले मुंह भर लो, इसे पानी का पूरा मुंह भर लो, इस तरह से पानी का भर के इस तरह से पूरा मुंह में पानी भर जाए, जब इस तरह से फूल जाए ये मुंह, अभी क्या करना है इस आंख को पूरा करके इसके अंदर डालना है, इस बाउल के अंदर डाल देना है इसको और आंख को खोलना है, आंख को खोल करके और इस तरह से रोटेट करना है, ये इधर से चारों तरफ देखना है 360 डिग्री देखना है खोल करके आंख को, और थोड़ी देर घुमाना है फिर वापस बाहर निकालना है। उसके बाद इससे क्या होगा कि आपके आंख के अंदर जैसे हम दिन भर घूमते हैं चलते हैं तो इससे आप अपनी आंखों के जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह छोटे छोटे अंदर घुस जाते हैं वो साफ हो जाएंगे, इसे कहते हैं नेत्र स्नान। तो एक ये है, इसके जब इस आंख का हो जाता है उसी के बाद मुंह को पानी को भरे ही रखना है, छोड़ना नहीं है उस मुंह को, फिर उसी मुंह को इसी तरह से क्योंकि करके और ये दूसरी वाली आंख को भी इसी तरह से करना है, जिससे कि इसमें मैं थोड़ी देर करके दिखाता हूँ। अब जैसे इस तरीके से पूरी आंख इसके अंदर डूब जाती है और 360 घुमाते हैं, घुमाने के बाद में फिर पानी को बाहर फेंक दोगे आप। एक एक्सरसाइज है ये। इसके बाद नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है, सुबह मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हो उठते ही आप मुंह खुला करो मुंह से, और खुला करने के बाद में वो सेम पूरा पानी जैसे मैंने बताया था मुंह को पूरा भर लेना है, ऐसे करके जितना पानी दे सकते हो उतना पूरा मुंह को इस तरह से भर लेना है, और ठंडे पानी से इस तरह से पानी के आंखों में फेंकना है पानी के ऊपर छापके मारने, और जब ये आप पानी को लगाओगे उसके बाद हल्के आंखों से थोड़ा मसाज करना है इस तरीके से। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अगर आप जैसे यहाँ बैठे हो अभी इसको इन दोनों उंगलियों से इस तरीके से करना है, और ये इस तरह से दबाना है इन उंगलियों को, ये दोनों पकड़ के इसको और ये जो बोहे हैं यहाँ वाली जगह को इस तरीके से पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है, ये दबाना है। इससे क्या होगा ये जो हमारी तो यहाँ जो छोटी छोटी नसें होती है इनके अंदर रक्त प्रवाह की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे को इतना कम हो जाता है, जब हम इस तरह से करेंगे हम तो वो रक्त प्रवाह शुरू हो जाएगा और हमारे को रोशनी ठीक होगी। दूसरी एक्सरसाइज ये है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसके अंदर आप ये पॉइंट है, पॉइंट को दबाना है, जैसे ये नाक के पास में हो गया पहला, ये बात फिर यहाँ पर ये दबाना है, इन पॉइंट्स पे 5 सेकंड रुकना है, उसके बाद यहाँ पर दबाना है 5 सेकंड रुकना है, उसके बाद यहाँ पर दबाना है 5 सेकंड रुकना है, यहाँ पर वही नसें हैं जिनको कि हम दबाएंगे तो प्रेशर से जो ब्लॉक हो गई वो वापस रक्त संचार चालू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को 6 बार दबाना है और 1 पॉइंट को
को एक बार में 5 सेकंड तक दबा के रखना है और इस तरीके से इस एक्सरसाइज को 6 बार करना है। ये कुछ एक्सरसाइज थी जिनको आप करके अपनी आंखों की देखभाल और रोटी बढ़ा सकते हो। इसी के साथ अभी कुछ खान पान का खास ध्यान रखें और इनका ध्यान रख करके अपनी डाइट में इनको शामिल करके आप अपनी रोशनी बना सकते हो। तो अभी बताऊंगा मैं पॉइंट वाइज को खान पान की। आपको आंखों की रोशनी के लिए फिश या मछली खाना चाहिए क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी होता है और ये रोशनी बढ़ाने के लिए आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आपको फिश खाना चाहिए। नेक्स्ट आपको अंडे का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें काफी विटामिन और न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपको नाइट ब्लाइंडनेस से बचाएंगे। अपनी डाइट में नींबू को शामिल करके भी कर सकते हो। इसके अलावा आप गुलाब जल को आंखों में डाल करके आंखों की जो जलन है उसको मिटा सकते हो और ठंडे पानी के छिटे डाल करके बचा सकते हो। साथ में गुलाब जल को 2-3 बार डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना गुलाब जल प्योर होना चाहिए, उसके अंदर कुछ मिलावटी ना हो, एक बॉटल लेना। नेक्स्ट है अगर आप अपनी आंखों की हिफाजत के लिए अपनी डाइट में विटामिन जिसमें विटामिन ए का जरूरी है शामिल करना, जिसमें खाने के लिए गाजर, संतरा, आम, कद्दू, पपीता आदि या पीले रंग के फल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हरे पत्तेदार सब्जियों खाने से हमारे शरीर में खून की कमी पूरी होती है और साथ ही आंखों की रोशनी भी तेज होती है। सुबह उठते ही पालक के पत्ते खाने से रोशनी तो तेज होगी, साथ में खून की पूर्ति भी होगी। ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, अखरोट ये भी आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद है। इनके अंदर विटामिन ई होती है जो मोतियाबिंद को होने से बचाती है। दोस्तों इस प्रकार आप अपनी आंखों की ज्योति को बरकरार रख सकते हो, अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हो इस तरीके से, क्योंकि अगर आंख है तो जहान है। ये आंखें बड़ी अनमोल है, इनकी हिफाजत कीजिए। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।